रोमन रेंस एंड द रॉक ने अपने पावर से भाई कॉडी रोड्स और सेट रॉलिंस को हरा दिया आज। हेलो गाइस, माय नेम इज रुदेश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग। तो द रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रोड्स एंड सेट रॉलिंस का मैच हो चुका है। गजब का भाई ये टैग टीम मैच था, क्या मारा है भाई इन सब ने। इसके अलावा सैमी ज़ेन ने भाई डिटोन कर दिया गुंथर को। तो क्या करोगे शो में, सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज रेसलमेनिया रिजल्ट्स, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शो की स्टार्टिंग। द गेम ट्रिपल एच करते हैं, वो बोलते हैं वेलकम टू न्यू एरा, वेलकम टू रेसलमेनिया। फैंस इसको सुन के भाई एकदम एक्साइटेड हो गए थे। फिर यूएसए का नेशनल एंथम प्ले होता है एंड शो का फर्स्ट मैच होता है बैकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। बैकी लिंच का इंटरेस्ट होता है एंड रिया रिप्ली का जो इंटरेस्ट था वो भाई काफी मस्त होता है क्योंकि एकदम वो डेविल लग रही थी। मैच जैसे स्टार्ट होता है बैकी लिंच भाई पंचेस पे पंचेस लगाती है, बैकी आर्म ड्रैग लगाती है, रिया रिप्ली भाई ड्रॉप किक लगाती है, बैकी लिंच फिर टोर्नेडो डीटी भी लगाती है, लेग ड्रॉप भी लगाती है भाई, कंटिन्यू उनके आर्म पे अटैक कर रही थी। बैकी लिंच फिर उसी आर्म पर भाई सबमिशन भी लगाने जाती है बट रिया रिप्ली भाई उसको ब्रेक करती है और पावर बम लगा देती है वहां पर। बट बैकी लिंच भी फिर फाइनल मैन हैंडल स्लैम लगाती है, पिन करती है बट रिया रिप्ली भाई इस पे किक आउट करती है। बैकी लिंच फिर आर्म बार अगेन लगाने जाती है बट इसको रिया रिप्ली कन्वर्ट कर देती है, रेप्टाइड फिनिशर लगा देती है, पिन करती है बट बैकी लिंच किक आउट कर देती है। फिर रिया रिप्ली भाई फ्रॉग स्प्लैश लगाती है, पिन करती है बट इस पे अगेन किक आउट कर देती है बैकी लिंच। तो भाई इनको समझ ही नहीं आता अब करे क्या। बट रिया रिप्ली फिर फाइनली भाई रेप्टाइड फिनिशर लगाती है, पहले रोप से लगाती है फिर रिंग में लगाती है, पिन करती है और बैकी लिंच को हरा देती है और चैंपियनशिप अपना सक्सेसफुल रिटेन कर लेती है। नेक्स्ट सिक्स मैन टैग टीम लैडर मैच होता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। इस मैच में कोई भी टीम भाई रॉ और स्मैकडाउन का टैग टीम चैंपियनशिप निकाल लेते हैं तो वो भाई उस ब्रांड के न्यू चैंपियन बन जाते हैं। मैच जैसे स्टार्ट होता है सब भाई एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं, क्या मस्त मस्त स्पॉट भाई पूरे मैच में देखने मिलता है। न्यू कैच रिपब्लिक भाई लैडर के ऊपर से बैकफ्लिप लगा देते हैं सब मेंबर्स के ऊपर। एक पॉइंट पर अर्थरूथ भाई द मिस से टैग लेते हैं और फाइव नफल शफल लगाते हैं, डेमियन प्रीस्ट को डबल ई भी लगाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि भाई यहाँ पर टैग टीम मैच हो रहा है एंड भाई इसको पिन भी करते हैं। तो इसको देख के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। फिर एक स्पॉट पर ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी भाई लैडर पर क्लाइम करते हैं, स्मैकडाउन का टैग टीम चैंपियनशिप निकाल लेते हैं। एंड अप बस रॉ का टैग टीम चैंपियनशिप था, जेडी भाई हेल्प करने आते हैं फिन बैलर का बट द न्यू डे भाई उनको उठा के पूरा टेबल था उसके ऊपर ही फेंक देते हैं। एंडिंग में फिर डेमियन प्रीस्ट भाई अकेले थे वहां पूरे रिंग में, वो लैडर लेते हैं वहां पर भाई अपना चैंपियनशिप निकाल ले जाते हैं। बट तभी आर्थरूथ आते हैं, डेमियन प्रीस्ट को भाई डबल ए लगाते हैं रिंग साइड पर और लैडर पे क्लाइम करते हैं, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप निकालते हैं और न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं। पूरे फैंस भाई इस चीज को देख के खुश हो जाते हैं क्योंकि द मिज और आर्थरूथ भाई न्यू चैंपियन बन जाते हैं। नेक्स्ट टैग टीम मैच होता है सेंटोस कोबारा एंड डोमरिक वर्सेस एंड्राडे एंड रे मिस्टीरियो। भाई इस मैच में वैसे ज्यादा कुछ तो था नहीं, रे मिस्टीरियो भाई डोमरिक को मारते हैं, फिर भाई सेंटोस कोबारा को भी मारते हैं और अगर एंडिंग की बात करें तो डोमरिक भाई यहां चेयर से अटैक करने जाते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। बट तभी भाई दो बंदे आ जाते हैं मास्क पहन के जो भाई डोमरिक को मारते हैं, जिसके वजह से रे मिस्टीरियो भाई 619 लगाते हैं सेंटोस कोबारा डोमरिक के ऊपर एक साथ और फिर बस पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट ब्रदर वर्सेस ब्रदर जे उसो वर्सेस जिमी उसो का मैच होता है। जे उसो को भाई एंट्रेंस काफी मस्त लगता है, पूरे फैंस भाई उनके साथ जो हैंड था ना उसको भाई मूव कर रहे थे तो गजब का वो वाइब आ रहा था। एंट्रेंस पर ही जे उसो भाई अटैक कर देते हैं जिमी उसो के ऊपर, फिर भाई मैच स्टार्ट होता है। जे उसो भाई सुसाइड ड्राइव लगाते हैं बट जिमी उसो फिर कंटिन्यू भाई यहां से किक्स लगाना स्टार्ट करते हैं, रनिंग हिप भी लगाते हैं। एक पॉइंट पर दोनों भाई एक दूसरे को कंटिन्यू पंचेस मारते, फैन भाई इस पे ईट और नो ईट्स के चांस कर रहे थे, ये भाई देखने में काफी मस्त लग रहा था। फिर वन बाय वन जे उसो और जिमी उसो भाई सुपर किक लगाते हैं एक दूसरे को बट जे उसो फिर इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि जिमी उसो भाई वहां पर रोने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि भाई मुझे माफ कर दो, वो सॉरी बोलते हैं। बट ये सब भाई एक ड्रामा था क्योंकि जिमी उसो तुरंत ही भाई उनके ऊपर सुपर किक लगाते हैं, टॉप स्लैश लगाते हैं, पिन करते हैं 1-2 बट जे उसो भाई इस पे किक आउट कर देते हैं। जिमी उसो अगेन भाई सुपर किक ले जाते हैं बट जे उसो इस टाइम भाई एकदम रेडी थे, वो स्पीयर लगाते हैं, टॉप स्लैश लगाते हैं, पिन करते हैं और अपने ब्रदर जिमी उसो को हरा देते हैं। लेकिन फिर भी भाई वो आज ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे इस मैच को जीतने की भी बात, तो अब देखने मजा आएगा कि भाई आगे क्या होता है द उसोस के साथ। नेक्स्ट वुमेन टैग टीम मैच होता है द डैमेज कंट्रोल वर्सेस नियोमी बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल। दिस मैच इज ऑल अबाउट जेड कारगिल। पहले तो एकदम सिंपल था ये मैच, नियोमी बियांका ब्लेयर सब मारती है भाई आस्का और डिकोटा काई को, बट फिर टैग होता है जेड कारगिल को, वो आती है भाई डिकोटा काई को मारती है, आस्का कैरी जेन सब मिलकर भाई जेड कारगिल पर अटैक कर देती है, आस्का फिर भाई बियांका पर मिस पॉइजन लगा देती है बट गलती से वो भाई हट जाती है वहां से और इनके पार्टनर कैरी जेन पर ही वो सब चल जाता है। फिर नियोमी भाई कैरी जेन को मारती है, बियांका ब्लेयर केओडी लगाती है आस्का पर एंड फाइनली जेड कारगिल अपना फिनिशर लगाते हैं डिकोटा काई पर, पिन करती है और इस मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर का मैच होता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। सैमी ज़ेन बैकस्टेज अपनी फैमिली से मिलते हैं, चैड गेबल और केविन सब उनको भाई मोटिवेट कर रहे थे। पहले सैमी ज़ेन आते हैं फिर गुंथर आते हैं, मैच जैसे स्टार्ट होता है गुंथर भाई चॉप से चॉप्स लगाने स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू क्लोज लाइन भी लगाते हैं लेकिन सैमी ज़ेन यहां पर भाई ज्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। बट फिर सडन सैमी ज़ेन में भी एनर्जी आता है, वो भी भाई कंटिन्यू चॉप्स लगाने स्टार्ट कर देते हैं, गुंथर को पंचेस लगाते हैं और नेडो डीटी लगा देते हैं बट गुंथर अगेन भाई मारते हैं, सबमिशन लगाते हैं बट सैमी ज़ेन भाई इस पे भी कमबैक करते हैं, हॉल ओवर किक लगाने जाते हैं बट गुंथर भाई इस पे ड्रॉप किक लगा देते हैं और अपना फिनिशर लगा देते हैं, पिन करते हैं बट सैमी ज़ेन भाई इस पे किक आउट करते हैं।
फिर गुंथर भाई दो बार और लास्ट सिम्फनी लगाते हैं, पिन करते हैं, बट चामी जिन अगेन किक आउट करते हैं। गुंथर भाई एकदम शॉक की भाई ये आखिर हो क्या रहा है। गुंथर फिर एकदम भाई फ्रस्ट्रेशन में मारते हैं सामी जिन को, उनके ऊपर भाई स्प्लैश भी लगाते हैं बार बार, पिन करते हैं। सामी जिन की वाइफ भाई इनको चीयर करी थी पूरे इस मैच में, फैन बन को चीयर करना स्टार्ट करते हैं। गुंथर भाई अगेन टॉप रोप पे जाते हैं मारने के लिए, लेकिन सामी जिन तुरंत ही भाई उनके ऊपर हलोवर किक लगाते हैं। एकदम सामी जिन यहाँ पर फायर अप हो जाते हैं, वो भाई हलोवर किक अगेन लगाते हैं, पिन करते हैं 1-2-3 और गुंथर को यहाँ हरा के भाई न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाते हैं। जहाँ पर जितने फैंस थे वो भाई एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सामी जिन ने भाई ऐसा काम ही कर दिया था। उन्होंने भाई गुंथर का इतना टाइटल रीन जो अभी तक चल रहा था उसको भाई तोड़ दिया था। सामी जिन फिर अपनी वाइफ को भाई हग करते हैं और एकदम इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइम फॉर द बिगेस्ट मेन इवेंट, बिगेस्ट टैग टीम मैच इन द रेसलमेनिया हिस्ट्री, सेट रॉलिंस एंड कॉडी रोड्स वर्सेस रॉक एंड रोमन रेंस। अगर रोमन रेंस और रॉक जीत गए तो भाई रेसलमेनिया नाइट 2 में ब्लड रेंज रूल मैच होगा। पहले कॉडी रोड्स और सेट रॉलिंस एंट्रेंस करते हैं, फिर द रॉक एंड रोमन रेंस। द रॉक के एंट्रेंस पर बुल का एक साइन बना हुआ था, उसमें भाई पूरा आग जल रहा था, तो वो भाई काफी ज्यादा कूल लग रहा था। रोमन रेंस और सेट रॉलिंस भाई मैच स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ये सब भाई ज्यादा मारते नहीं है, बस भाई कुछ पंचेज और किक्स लगाते और भाई एक दूसरे को बस टैग कर रहे थे, पूरा भाई फील ले रहे थे यहाँ क्राउड का। द रॉक और सेट रॉलिंस को टैग होता है, द रॉक भाई कुछ पंचेज लगाते हैं सेट रॉलिंस को, लेकिन मजा तो भाई अब आता है क्योंकि टैग हो जाता है कॉडी रोड्स को। द रॉक और कॉडी रोड्स भाई फाइनली आमने सामने, कॉडी रोड्स एकदम गुस्से में, वो भाई स्लैप पे स्लैप लगाते हैं, किक लगाते हैं द रॉक को। सेट रॉलिंस भी रिंग में आ जाते हैं, कॉडी रोड्स और सेट रॉलिंस दोनों मारते हैं, इसलिए रोमन रेंस भी बिना टैग के ही मैच में आ जाते हैं। ये चारों बंदे एकदम सेम रिंग में रहते हैं। रोमन रेंस और कॉडी रोड्स भाई एक दूसरे को मारते हुए एंट्रेंस एरिया पर लेके जाते हैं, इधर सेट रॉलिंस और रॉक को मारते हुए भाई रिंग साइड पे लेके जाते हैं। रेफरी यहाँ पर काउंट करता है 10 तक, लेकिन रेफरी को द रॉक बोल देते हैं कि भाई अगर तुमने काउंट किया ना तो मैं भाई तुमको फायर कर दूंगा। तो भाई पूरा यहाँ पर पावर का यूज द रॉक कर रहे थे। द रॉक सेट रॉलिंस को मारते हुए भाई पूरे क्राउड के बीच में लेके जाते हैं, ट्रैश कैन से भी अटैक करते हैं। फिर एक मोमेंट पर सेट रॉलिंस द रॉक को भाई मारते हुए रिंग तक लेके आते हैं, लेकिन रोमन ने सेट रॉयस का जो लेग होता है ना भाई उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से लग रहा था सेट रॉयस को यहाँ पर इंजरी हो गई। द रॉक फिर कंटिन्यू भाई उसी लेग पर मारते हैं, रिंग पोस्टपोन का लेग लड़ा रहते हैं। रोमन रेंस एंड द रॉक भाई साथ में मिलकर मारते हैं, रेफरी भाई कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि द रॉक भाई पहले उसको धमकी दे दिए थे कि भाई मैं तुमको इस कंपनी से निकाल दूंगा। द रॉक फिर सेट रॉयस को लो ब्लो लगाते हैं, रोमन भाई टैग ही नहीं कर देते सेट रॉयस को। एक पॉइंट पर फिर द रॉक को सेट रॉयस स्टॉर्म लगा देते हैं, फाइनली टैग कर देते हैं कॉडी रोड को। द रॉक भी टैग कर देते हैं रोमन रेंस को, कॉडी रोड एकदम फायर अप, रोमन को भाई कॉडी कटर लगाते हैं, डिजास्टर किक सब लगाते हैं, पिन करते हैं, बट रोमेंस भाई इस पे किक आउट करते हैं। कॉडियस भाई अगेन कॉडी कटर लगाने जाते हैं, बट रोमन रेंस यहां भाई सडन सुपर एंड पंच लगा देते हैं, पिन करते हैं, बट इस बार भाई कॉडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। रोमन रेंस के नोज से भाई इस टाइम पूरा ब्लड आने लगता है। रोमन रेंस इसको देख के भाई स्पीयर लगाने जाते हैं कॉडी रोड्स को एकदम गुस्से में, बट कॉडियस भाई इसको काउंटर करते हैं, क्रॉस रोड लगाते हैं, सेट रॉयस यहां पे स्प्लैश लगाते हैं। इस पॉइंट पर सेट रॉलिंस और कॉडी रोड्स भाई रोमन रेंस को बैक टू बैक भाई सुपर किक लगाते हैं, सेट रॉयस स्टॉर्म लगाते हैं, कॉडी रोड्स भाई क्रॉस रोड्स लगाते हैं, पिन करते हैं, बट द रॉक भाई रेफरी को ही बाहर खींच लेते हैं कि भाई पिन ना हो सके। तो समझ नहीं आता कि भाई आज मैच में आखिर होगा क्या। रोमन रेंस फिर कॉडी रोड्स को भाई लो ब्लो लगाते हैं, स्पीयर लगाते हैं, लगा भाई मैच ओवर, बट कॉडी रोड्स भाई किक आउट करते हैं। अब मैच का टर्निंग पॉइंट था, द रॉक और कॉडी भाई सेम रिंग में थे। द रॉक के पीपल एल्बो पे कॉडी रोड्स भाई क्रॉस रोड्स लगा देते हैं उनको। रोमन रेंस लेकिन भाई आते हैं, कॉडी रोड्स को भाई सुपर एंड पंच लगाते हैं, स्पीयर लगाने जाते हैं, बट कॉडी रोड्स वहां से हट जाते हैं, इसलिए रॉक को स्पीयर लग जाता है। फैंस भाई एकदम शॉक, रोमन रेंस एकदम शॉक। अब यहाँ से क्या मस्त मस्त मूव्स हमें देखने के लिए मिलता है। सेट रॉयस और कॉडी रोड्स मिलकर रॉक और रोमन रेंस को पेडिग्री लगाते हैं, कॉडी रोड्स उधर रॉक को भाई कमेंट्री टेबल पर रॉक बॉटम लगाते हैं, और उधर रोमन रेंस सेट रॉयस को भाई बैरिकेड पे स्पीयर लगा देते हैं। फैंस भाई इस टाइम पे गजब का चेयर कर रहे थे। अब इसके बाद रोमन रेंस और कॉडी रोड्स फाइनली भाई रिंग में थे, कॉडी रोड्स रोमन रेंस पर क्रॉस रोड्स लगाते हैं। मुझे भाई श्योर था कि ये मैच अब ओवर होने वाला है, लेकिन द रॉक भाई कॉडी रोड्स को बेल से मारते हैं, रोमन रेंस सिंपली अब भाई स्पीयर लगाते हैं और भाई पिन भी नहीं करते क्योंकि उनको पता था कि मैच में होने क्या वाला है। वो द रॉक को टैग करते हैं, द रॉक आते हैं, पीपल एल्बो लगाते हैं, पिन करते हैं 1-2-3 और इस मैच को जीत जाते हैं। द रॉक एंड रोमन रेंस ने भाई अपने पावर से हरा दिया भाई कॉडी रोड्स और सेट रॉयस को। इट मींस नाइट 2 में रेसलमेनिया के द ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा, मतलब भाई कॉडी रोड्स अब कुछ भी नहीं कर सकते भाई उस मैच में। रोमन रेंस और द रॉक भाई पूरा सेलिब्रेट करते हैं, अपना चैंपियनशिप रेस्ट करते हैं। दूसरे साइड कॉडी रोड्स और सेट रॉयस भाई एकदम सैड थे कि अब भाई क्या होने वाला है कल, और रेसलमेनिया का ये बिगेस्ट शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो क्या मस्त भाई पूरा शो लगा कॉडी रोड्स के लिए, तो भाई बिग प्रॉब्लम हो गया है। सो आज का वीडियो तक था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लो, और WWE का नेक्स्ट वीडियो भी यहीं पे आने वाले रेसलमेनिया का, क्योंकि कल तो भाई बिगेस्ट मैच है रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रोड्स। कमेंट्स बताओ यार पूरा रेसलमेनिया का शो आपको कैसा लगा, पर्टिकुलर रॉक और रोमन रेंस कॉडी रोड्स और सेट रॉयस का मैच कैसा लगा। ये मैच भाई अगर आपने नहीं देखा ना तो प्लीज आप जाके इसको लाइव देखना, मजा ही आ जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी, गुड बाय।